जिले की स्पेशल स्टाफ सोनीपत पुलिस ने लूट एवं मर्डर की घटना का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी अखिल जिला सोनीपत का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि इस मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड कर लिया है। गौरतलब है कि आरोपी ने बीते दिनों एक व्यक्ति से चैन छीनने के दौरान उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया था, जिसके तहत पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी अखिल को गांव सेवली से काबू किया। सुपर स्टाफ ने दिनांक 16/7/18 को एक गाँव भैयापुर में बारिश में एक आदमी आ रहा था रोड के ऊपर, जो दो आदमी बाइक पर आकर उसकी चैन छीनने लगे, जो आपस में झगड़ा हो गया था, जो उसने झगड़ा पुनः चैन छीने मना करने पर उन आदमियों ने उसका गोली मारकर अपनी चैन छीन कर भाग गए, जिसमें से एक दोषी को हमराज कल दिनांक 31/7/18 को गांव शेवरी से बाहर से गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ दिल्ली में दो मुकदमे ऑलरेडी दर्ज है। एक इसका साथी इसमें फरार है, अखिल नाम का लड़का को गिरफ्तार किया गया है। अवैध हथियार भी है, बाइक भी है, वो रिमांड के दौरान उसको बरामदी करके लाएंगे। इसने बताया कहीं उन्हें छुपा रखी है पिस्तौल को भी और बाइक को भी हरिद्वार वरा में वहाँ कमरा दे कराएगा। प्रथम धारका के लिए सोनीपत से संजीव कुमार की रिपोर्ट।